एक पासे नौटंकी बाज ड्रामी बाज। उस दिन जिस दिन 62 कार सेवकों को जिंदा रोस्ट कर दिया गया था ट्रेन के अंदर, कैमरे के सामने बैठकर टीवी पर आकर विपक्षियों को अपने तर्कों और चतुराई से पटखनी देने वाले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त दिल्ली से दूर उड़ीसा में डेरा डाले हुए हैं, जहां वे गली गली घूम रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, एयर कंडीशन से दूर गर्मी में तप रहे हैं। दरअसल संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव भी वहां से लड़ रहे हैं जहां से कभी प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव लड़ने की खबर थी, मतलब जगन्नाथपुरी से। संबित पात्रा को बीजेपी का टीवी मैन भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर टीवी पर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते दिखाई दे जाते हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं, लेकिन पात्रा इस समय खुद के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। संबित पात्रा लगभग महीने भर से अपने क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं और जमकर प्रचार कर रहे हैं। अब टिकट मिला है तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा। संबित पात्रा अपने चुनाव प्रचार की पूरी अपडेट सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते रहते हैं। कभी किसी गरीब के यहाँ खाना खा रहे हैं तो कभी किसी आम आदमी के यहाँ रात गुजार रहे हैं, फिर अगले दिन वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संबित पात्रा ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो एक महिला को खाना खिला रहे थे। तब उन्हें ट्रोल किया गया था कि वे महिला को अपना जूठा खाना खिला रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तस्वीर फर्जी थी। एक अन्य तस्वीर में पात्रा एक चूल्हे पर खाना बना रही महिला के साथ तस्वीर शेयर करते हैं, बाद में फिर उन्हें ट्रोल किया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही सामने आई। कहा जा रहा था कि महिला के पास गैस सिलेंडर नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि महिला के पास सिलेंडर था। ये तस्वीर भी झूठी पाई गई। पुरी से टिकट मिलने पर संबित पात्रा का कहना है, मैं बेहद भाग्यशाली हूँ कि उड़ीसा के पुरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की संभावना थी, जैसा कि मीडिया में चर्चा भी थी, लेकिन अब यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ के लोग मुझे मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सीधे पीएम तक पहुँचा दूंगा। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा कभी तालाब में नहाने चले जाते हैं तो कभी केले के पत्ते पर खाना खाते हैं, ये सब वहाँ की परंपरा के हिसाब से वे कर रहे हैं। संबित पात्रा पुरी में रहने वाले लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि संबित पात्रा को इसमें कितनी सफलता मिलती है। हालांकि पुरी की राह संबित पात्रा के लिए आसान नहीं रहने वाली है। पुरी को बीजू जनता दल का गढ़ माना जाता है, कई सालों से वो ये सीट जीतती आ रही है, लेकिन संबित पात्रा पार्टी का बड़ा चेहरा है और टीवी डिबेट के जरिए लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। इसके साथ संबित पात्रा जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यही नहीं, संबित पात्रा अपने चुनाव प्रचार के तरीके को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। बच्चों के साथ स्नेह से मिलना, बुजुर्गों के पाँव छूना और आम आदमियों को गले लगा लेने का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी संबित पात्रा के लिए प्रचार कर चुके हैं, उन्होंने रोड शो भी किया था। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सफलता कितनी मिलती है। भाजपा के सेलिब्रिटी नेता पात्रा का कहना है कि वह जनता के बीच है और जनता की समस्याओं और उनके मुद्दों पर ध्यान लगा रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।